रामपुर के बुजुर्गों की काफी लंबे समय की मांग को देखते हुए कोशिश एक आशा संस्था द्वारा रामपुर में बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एसडीएम विपिन जिंदल ने डे केयर सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इस डे केयर सेंटर में न्यूज़पेपर, मैगजीन, विभिन्न विषयों की पुस्तकें व समाचारों के लिए टीवी का भी बंदोबस्त किया गया है। बुजुर्गों के लिए रामपुर में डे केयर सेंटर फॉर ओल्ड एज पर्सन का नर्सिंग मंदिर परिसर में विधिवत शुभारंभ एसडीएम रामपुर डॉक्टर निपुण जिंदल ने किया। इस डे केयर सेंटर का संचालन दिव्यांगों की शिक्षा व सेवा के लिए कार्य कर रही संस्था कोशिश एक आशा द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। इस अवसर पर एसडीएम रामपुर ने कहा कि रामपुर में बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा केंद्र नहीं था जिससे बुजुर्ग दिन के समय अपना समय बिता सकें। उन्होंने कहा कि कोशिश एक आशा संस्था के प्रयास से इस कमी को पूरा किया गया है, जो एक सराहनीय प्रयास है। कोशिश एक आशा संस्था की अध्यक्षा स्वाति बंसल ने बताया कि डे केयर सेंटर में बुजुर्गों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डे केयर सेंटर में न्यूज़पेपर, मैगजीन, विभिन्न विषयों की पुस्तकें व समाचार के लिए टीवी आदि का भी बंदोबस्त किया जाएगा ताकि बुजुर्गों को बोरियत महसूस ना हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए डे केयर सेंटर की शुरुआत की गई है, उसकी ओपनिंग रखी थी हमने आज। भी अपने आसपास के रामपुर के और आसपास के बुजुर्गों को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पे आया करें। यहाँ पे 9 से 5 बजे तक वो किसी भी टाइम आ सकते हैं। उनके लिए हमने बुक्स रखी हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर है, टीवी है, म्यूज़िक है, कोई भी गेम्स खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स का हमने प्रावधान रखा है। महीने में 2-3 बार उनका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगर आगे हमें फंड्स प्रोवाइड होते हैं तो हम उनको मेडिसिंस भी फ्री प्रोवाइड करवाएंगे। उनके लिए योगा क्लास का अरेंज करेंगे और जो भी उनके सुझाव होंगे उसमें उनका मार्गदर्शन में हम इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।